गुड मॉर्निंग गाइस, आज है दूसरा दिन 27 और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। हम उठे हैं, अभी जा रहे हैं ताजमहल। अभी बाहर का सीन दिखा दूं आपको, बहुत ही सही हुआ है। ये देखो, यहाँ पे ठंडी अभी 5 डिग्री है और मैं एक छोटा पतला सा ये पहन के निकला हूँ। एक्चुअली अभी जस्ट फ्रेश हुआ हम लोग, मुझे सिर्फ ब्रश करना है, ब्रश करके निकल जाएंगे। यहाँ से ताजमहल ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 500 मीटर्स है। हमने होटल पास में ही लिया था कि सुबह जल्दी उठ के हम ऐसे ही निकल जाए। बाय वॉक 500 मीटर है और अगर बाइक से जाएंगे, तो 1.3 किलोमीटर होगा, ऐसा मैप में दिखा रहा है। एक्चुअली ताज को आज तक एक कैलेंडर में देखा है, किसी और के ब्लॉग में देखा है, किसी इसके उसके ब्लॉग्स में देखे हैं, किसी फोटोज में देखा है, तो ऐसा बहुत मन था कि कभी जाके मैं खुद भी शूट करूँ। अब आज फाइनल जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हमको जाना है वृंदावन भी, तो अभी के लिए बहुत ही अच्छा सीन है। और जिस हिसाब से ये फॉग है, अभी अगर वहाँ पे ताजमहल पे शूट करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल सीन आता है। अभी मैं अंदर जाता हूँ, मेरा हाथ गलने लग गया, जैकेट वैकेट पहनना पड़ेगा। ये सिर्फ फैशन के लिए वहाँ पे जाके भी निकालूंगा, शूट करके फटफट पहन लूंगा, क्योंकि भाई बहुत ठंडी लगी रात को। चलते हैं अभी अंदर, बंद हो गया। सब लोग रेडी हो गए हैं, टाइम हो गया है 7:35 और अभी हम निकल रहे हैं। चार लोग ही आ जाओ। तो जिस हिसाब से जितनी डिग्री दिखा रही है उतनी ठंडी तो नहीं है, अभी फील नहीं हो रहा उतना। रात को जो फील हो रहा था ना, रात को तो ऐसा खड़े नहीं रहने हो रहा था, बट ठीक है, अच्छा है। अभी कहाँ से जाना है हमको, जो पास में पड़े, मैप में देखना भाई। चलो घुसो, बैठ बैठ बैठ, आगे बैठ जाता हूँ मैं। जाओ उधर जाओ। चलो भाई फटफट निकलते हैं, अभी टिकट्स हो गए ताज के। ये है इस गेट, सामने गेट है। चलो भाई सुबह सुबह आ तो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे भीड़ तो दिख रही है मुझे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और बंदर बहुत सारे भाई। थोड़ा सा संभाल लेता हूँ मैं। नहीं भाई, चल चल आगे, चल आगे चल, ऐसे मेरी फट रही है बहुत ज्यादा। देख सामने, अबे झुंड देख, झुंड देख भाई। यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है ना भाई, जो भीड़ दिख रही है यहाँ पे बंदरों की, जो डर है हम लोग ऐसा झुंड में, जो बंदर आया ना यहाँ पे। ये एंट्री है, ये भाई सेम ही है यार, टिकट वगैरह सेम था, हमने जो बाहर लिया ना, देख सेम है, 50 रुपीस। 10 रुपए एक्स्ट्रा लिया ना, 10 रुपए एक्स्ट्रा लिया, ठीक है ना भाई। तो पहुंच गए हम लोग अंदर, ये था ईस्ट गेट। यहाँ पे अभी इतनी भीड़ तो नहीं लग रही और मास्क यहाँ पे कंपलसरी है। अरे हम लोग गर्ल्स वाली लाइन में आ गए क्या? गर्ल्स वाली लाइन में आ गए हम लोग। चल 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 वहाँ पे हम लोग उल्टी गलत लाइन में आ गए। ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो। तो हमने जो टिकट लिया है वो लिया है 50 वाला, तो वो ताज के जो बाउंड्री है वहाँ तक जा सकते हैं। ताज के ऊपर जाना है तो वहाँ पे 250 के टिकट्स है, तो अगर आपको, आप जैसा भी प्रेफर करो। हमने तो बाहर से ले लिया, हमारा प्रिंटिंग का 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया उसने टिकट वाले ने, बाकी सेम टिकट ही दिया है, सेम रेट में ही टिकट दिया उसने, तो वो अच्छी चीज़ थी, लाइन लगानी नहीं पड़ी यहाँ पे टिकट के लिए।
ताज का एंट्रेंस और आपको दूर से दिख रहा होगा ब्यूटी ऑफ हियर, बहुत फॉग में घिरा हुआ है। देखो 8-10 हो रहे और अच्छी खासी भीड़ हो गई यहाँ पे, बट अभी देखने जाएंगे तो और जल्दी आना चाहिए था, मतलब अगर एकदम खाली चाहिए तो और जल्दी आओ। कंपैरेटिवली बाहर से, मतलब वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। Look at this. तो भाई अपना शूट कर रहे हैं, सब चीज जैसा भी है, तो यहाँ पे अभी तक से फोटो शूट ही चल रहा है, अभी तक हम अंदर गए नहीं। यहाँ पे भाई अनएक्सपेक्टेड भीड़ निकली है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी सुबह सुबह सब लोग बोल रहे थे अरे भीड़ कहाँ ही होगी। यहाँ पे भाई बहुत ही सही व्यू दिख रहा है और चले। तो अभी जस्ट हमने थोड़े बहुत फोटोज क्लिक किए और काफी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही अच्छे फोटोज आ रहे हैं यार। भाई कैसे आए फोटोज? कम आए। ये तो बोलता ही नहीं है कुछ, कुछ बोलता नहीं, कट जाएगा तो कहीं नहीं दिखेगा व्लॉग में फिर। जैसे जैसे ताश पास हम जा रहे हैं ठंडक बढ़ती जा रही है। Yes. हाँ ये चीज मैंने बाहर नोटिस की थी, जैसे टूवर्ड जैसे जैसे हम ताज की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है। यार यहाँ पे ठंडी कहाँ डाल रहा है, मैं हाथ बचा रहा हूँ इससे, तो मैं हाथ ऐसे बचा रहा हूँ अपना। और यहाँ पे ठंडी यार मतलब बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ऐसा कमी नहीं हो रही है। ऊपर जा रहे हैं क्या अभी? मतलब ऐसा है कि जितना मार्बल के पास जा रहे हैं उतनी ठंडी बढ़ रही है। अभी हम लोग ताज के पास जा रहे हैं, हमको गेट से ताज तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि 1.5 घंटे से हम सिर्फ फोटो शूट कर रहे हैं। और अभी जो ठंडी है भाई साहब बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग ताज के यहाँ पे घूम रहे हैं, क्लोजली देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। कितना बज गया? 9:25। हमको 11 बजे का चेकआउट है होटल से, तो जितना जल्दी यहाँ से हो सकेगा उतना जल्दी हम यहाँ से करके निकलेंगे। और ये मैंने ऐसे हाथ पे रखा है क्योंकि ठंडी लग रही है अच्छी खासी, और ये थोड़ा बचा रहा है थोड़ा सा। वाओ वाओ लुक एट दिस व्यू, और यहाँ पे खाली भी है। यहाँ पे चल रहा फोटोग्राफी भाई, क्या ठंडी, और मैंने फोटोज इतने ज्यादा लिए, इतने ज्यादा लिए और इतने अच्छे फोटोज आए, और उसके लिए मैंने ये सब चीजें निकाल दी थी। ये ताज और उसके पीछे ये नदी। भाई मजा आया कि नहीं? लेकिन मजा आया कि नहीं भाई? यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने भी अभी पूरा सब पहन लिया है, जितना फोटो शूट करना था कर लिया, नाक भी अभी मेरी बह रही है। अभी यहाँ से जाएंगे, अभी मथुरा हम लोग निकलेंगे करीबन 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे, चेकआउट कर देंगे होटल से, और फिर उसके बाद फिर मथुरा घूमेंगे। फिर मथुरा थोड़ा और ऊपर है, आई थिंक कितने किलोमीटर रहेगा? 100 किलोमीटर रहेगा यहाँ से, तो यहाँ से मथुरा कुछ अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर है, तो हम लोग को लगेगा पकड़ लो 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे पहुँचने में। फिर उसके बाद आराम से वहाँ पे भी घूमेंगे, फिर रात को निकलेंगे वापस आजमगढ़ के लिए। अभी ठंडी के मौसम में आना
वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी में यार धूप से हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ठंडी में बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है। और अभी तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, हम सबको अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। बाहर जाते हैं होटल पे और फिर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या खाएंगे बाद में। बाहर खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़। आई होप आपको ये ऐसी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर एक शॉट लेते हैं ऐसा अंदर से, बहुत मस्त दिखेगा। अभी एग्जिट ले रहे हैं हम लोग, अभी जाते हैं बाहर खाते हैं कुछ, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है। इधर से निकल लो, जहाँ से आए तो वहीं से जाते हैं। उधर से चलो फिर, या तो सीधा निकल जाते चाहिए, तो गलियों में से सीधा सीधा वो है ना पास में, सीधा ही निकल जाते फिर, क्यों उतना दूर जा रहे हैं। ये स्ट्रीट वाला गेट है, हम लोग आए थे ईस्ट गेट से, वहां से ये है वेस्ट गेट। क्योंकि हम लोग फ्रंट गेट से आए नहीं सुबह सुबह, तो इतना आइडिया नहीं है कि वहां पे भीड़ थी कि नहीं थी। हम लोग आए थे ईस्ट गेट से, तो वहां पे कुछ भी मतलब कोई भी लाइन नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी। आप सीधा ऑनलाइन टिकट कर लो और यहाँ पे सीधा सीधा अंदर आ जाओ। चलो भाई निकल के बाहर हम लोग, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस बैटरी वाली से। मैं आगे आ जाता हूँ। इसका कितना बैटरी चल जाता है दिन में, कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर चलता है फिर चार्ज कर लेंगे। और कितना घंटा लेता है चार्ज होने में? 10 घंटे। रात में लगा देते हैं 7 बजे 8 बजे। हाँ 7 बजे। अच्छा ये दिन भर चल जाती है। अच्छा लोकली यहाँ आसपास ही घूमते रहेंगे ना आप लोग? अच्छा हुआ लाल किला हुआ। हाँ अच्छा अच्छा। तो आ गए हम लोग अभी होटल, अभी कुछ देते हैं खाने के लिए। ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो ब्रेकफास्ट कर दो, उसके बाद फिर मैं एकदम बात करने नहीं हो रहा मुझे। तो पैकिंग हो गई है, अभी हम बस निकल रहे हैं यहाँ पे। चलो डन।